हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो शेयर पिछले अगर बात की जाए 15 से 20 दिनों में जब से कोरोना की न्यूज़ आई है वो गिरता जा रहा है। ओके, और अभी उसने बेस तैयार कर लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली भी है, मैंने उसे काफ़ी नीचे लेवल पर लिया भी था और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ जब वो शेयर भागता है ना तो अच्छे खासे तरीके से भागता हुआ हमें नज़र आता है, तो कभी भी उस शेयर को अंडर एस्टिमेट मत करना। काफ़ी बेहतरीन शेयर है और वो कंपनी जिसमें बिजनेस करती है ओके काफ़ी बेहतरीन कंपनी भी है, आप सबने उसके प्रोडक्ट्स हमें खाए ही होंगे। तो उसी शेयर से रिलेटेड आज चलिए बात करते हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, यहाँ पर फिर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है आप क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा। एज वेल एज नीचे एक और लिंक है श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आप एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं, एक मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं जो कि आपको पता ही है हमारी पूर्वजों की निशानी है। ओके, और हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है तो हमेशा याद रखना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि जो पैसा बने आप लोगों का ही नहीं बने और सबका लोग भी बने, और उससे क्या मिलेगी, उससे ब्लेसिंग्स मिलती है। तो जिस कंपनी से रिलेटेड मैं बातें करने जा रहा हूँ ना, पहले तो मैं आपको रिटर्न दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये रिटर्न आपके सामने है, वन डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कुछ खास रिटर्न नहीं है, वन वीक का कुछ खास नहीं है, बट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगर एक साल की बात करते हैं 43% के रिटर्न है ओके, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। 30% के रिटर्न भी मार्केट में अगर मिलते हैं ना तो आप समझिए कि काफ़ी अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर हम और आगे चलते हैं तो हम अगर 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में 11,814% के रिटर्न इसने दिया। अगर आपने 2010 में इसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया होता ना तो आपको 11,814% के रिटर्न मिल रहे होते, इस तरीके की इतनी बेहतरीन कंपनी मुझे पर्सनली नज़र आती है। इसके अगेंस्ट में एक दूसरी कंपनी भी है जिससे इसका सीधे राइवलरी जिसे कहते हैं या फिर टक्कर होती है, तो वो बिजनेस में, तो यहां पर आप देख सकते हैं उस कंपनी का भी रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, वो भी कंपनी अच्छी है ओके। ये लार्ज कैप कंपनी और वो आपको स्मॉल कैप कंपनी है। अगर यहां पर इस इधर कंपनी 10 साल की बात करें केवल 980% के, बट जिस कंपनी के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ इस बार, तो वो कंपनी 11,814% के रिटर्न दे चुकी है और काफ़ी अच्छे लेवल पर वो गिर चुकी है, और आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर काफ़ी अच्छे शेयर प्राइस पर आपको वो शेयर मिल रहा है। तो उस तो अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो की बात करें तो 271 रुपये पर शेयर 27 मई को मिल रहा था, और 52 वीक हाई की बात करें तो देखिए 2 मार्च को इसने अपना 52 वीक हाई भी अचीव किया था 535 रुपीज़ का, उसके बाद ये गिर चुका है और लगभग कितने पे आ चुका है बात करूँ तो 456 रुपीज़ के आसपास ही यहाँ पर आ चुका है। आज की बात करें तो लगभग 25% शेयर की यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई दिखाई दी है। तो किस शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम वन डे का चार्ट पैटर्न देखे तो यहाँ पर गिरता जा रहा है, वन मंथ का अगर हम देखते हैं तो देखिए कंपनी कहाँ पर उसी लेवल पर 525 के आसपास चल रही थी, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट हो गई है पिछले एक महीने की बात ही कर सकते हैं ओके। और यहाँ पर NSE पे यहाँ पर फुल इसका चार्ट नहीं दे रखा, मतलब ये अभी NSE पे बाद में लिस्ट हुई है, बट स्टिल अगर NSE की भी बात करें तो देखिए अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आपके पैसों को तो दुगना करता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। छोड़िए, अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड, तो कंपनी देखिए अभी डिविडेंड नहीं देती, बट कंपनी बहुत पहले से डिविडेंड देती देना बंद कर दिया है। बट क्यों कर दिया है, क्योंकि कंपनी इज़ मेकिंग लॉस इस वजह से। बट कुछ पैरामीटर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंपनी ने 2012 में 1:1 का बोनस दिया, 1:79:1 का बोनस दिया जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये की फेस वैल्यू, जो अभी 2 रुपये की फेस वैल्यू पर शेयर मिल रहा है ओके। और अगर हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मार्केट कैप, तो कंपनी का मार्केट कैप है 7167 करोड़, मतलब 7167 करोड़ रुपए की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें वॉलीटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक ही दिन में ये शेयर 10-10, 11-11% गिरते भी है और ये भागते हैं तो अच्छा खासा भागते भी है। तो अगर डेट
टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो देखिए जीरो, मतलब जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो है। आरओसी की बात करें 0.07% की आरओसी ही है। ओके, तो कुछ खास आरओसी नहीं है, बट अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं ना तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, नज़र लगा सकते हैं कि 2005 में कंपनी का शेयर एक पैसे से भी कम पे चल, एक पैसे के आसपास ये कंपनी का शेयर चल रहा था। ओके, और फिर उसके बाद इसने एक साथ ऐसी जंप लगाई थी क्योंकि इनका बिजनेस ग्रो हो गया, तो यहाँ पर 370 रुपीज़ पे शेयर चल तक आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अप डाउन कितने, किस तरीके से भयानक तरीके से यहाँ पर कंपनी का शेयर है जो गिरता हुआ नज़र आता है, मतलब हाफ ऑफ परसेंट 50% यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है टूटता हुआ नज़र आता है, बट उसके बाद देखिए रिकवरी भी उतनी ही ये करता हुआ नजर आता है। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट करती क्या है, तो देखिए मैकडी, मैकडी के आपने बर्गर खाए होंगे। ओके, और सबसे फास्टेस्ट बर्गर चेन अगर खाई जाए सबसे पहली तो ये मैकडी ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकडी के बर्गर तो आप लोगों ने खाई है यहाँ पर, अलग अलग ब्रेकफास्ट मैक डिलीवरी। तो अगर आपको लगता है कि मैकडी अच्छा बिजनेस करती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इसके जो मैं अगर आपको रिटर्न्स एंड ऑल दिखाता हूँ तो कुछ खास नहीं है। ओके, बिल्कुल भी खास नहीं है उनकी राइवरी, एक तो जो बर्गर किंग भी है और एज वेल एज दूसरी जो जुबिलेंट फूड भी है जो पिज़्ज़ा में है। तो आप को बर्गर पसंद है या पिज़्ज़ा पसंद है वो देख लीजिएगा, एज वेल एज क्या सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो देख लीजिएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर सेल्स की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स कुछ खास नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम से कंपनी ने कुछ सेल्स नहीं करे हैं। यहाँ पर 80,000 के लगभग की यहाँ पर सेल्स बता रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि इतनी बकवास सेल होगी इनकी, बट स्टिल यहाँ पर अगर पैरामीटर दे रखे है तो बिलीव करना होगा। कंपनी इज़ मेकिंग लॉस। ओके, कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है पिछले काफ़ी सालों से। सेल्स यहाँ पर भी देखते हैं तो अभी भी यहाँ पर लॉकडाउन लगा है। ओके, उसके बाद उसके वजह से यहाँ पर कुछ सेल्स नहीं होती दिखाई दे रही है। 48 लाख रुपीज़ की सेल है केवल यहाँ पर भी देखे तो। वो देखिए कंपनी अभी यहाँ पर भी पिछले लॉस, मतलब लॉस ही लॉस कर रही है अगर बात की जाए तो, पिछले 4-5 साल से इनका लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट में कंपनी आ नहीं रही। बट इसकी अगर कुछ अच्छी बातों की बात करी जाए ना तो रिजर्व्स देखिए, कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, 451 करोड़ रुपीज़ के अलावा 452 करोड़ रुपये के तो रिजर्व्स हैं। और कंपनी इज़ कम्प्लीटली डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है। इसी वजह से यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना इंटरेस्ट, तो कोई भी कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही, मतलब जब लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट किस बात का पे करना। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि कंपनी को किसी को ये नहीं देना, किसी को लोन नहीं देना, कुछ नहीं करना। जैसे डीमार्ट, डीमार्ट किसी भी प्रॉपर्टी अगर स्टोर खोलता है तो अपनी उस स्टोर को खरीद लेता है ना, इसी तरीके से ये जब अपना कुछ लगाते हैं स्टोर्स वगैरह तो ये सिंपली क्या करते हैं, तो ये सिंपली उस स्टोर्स को ही खरीद लेते हैं, तो इन्हें रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इनका जो खर्चा होता है रॉ मटेरियल में खर्च होता है, एम्प्लॉयज़ में खर्च होता है, यूटिलिटीज़ जो होती है उसमें खर्चा होता है बस, और वो इसमें से वो चीज़ इसमें से निकाल लेते हैं अच्छी खासे तरीके से। तो ये इस बिज़नेस का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 478 करोड़ रुपीज़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट है, और कैश की बात की जाए 0.38 मतलब 33 लाख रुपये का यहाँ पर कैश हमें नज़र आ रहा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूस सेम ही है लगभग, अब मार्च से बात करें 59% की। ओके, FIIs लगभग 10%, DIIs लगभग 20% की हिस्सेदारी जो कि कंटिन्यूस बढ़ाते जा रहे हैं, और पब्लिक की बात की जाए 10%। और ये बिज़नेस फास्ट फूड का बहुत अच्छा बिज़नेस करती हुई नज़र आती है हम देखते हैं तो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर लॉस क्यों दिखा रखा है। ओके, और बिज़नेस सेल्स क्यों नहीं दिखा रखी। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम कभी भी मैकडी जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है इस बार तो कोविड का प्रभाव है, आई नो दैट, बट स्टिल अगर बात की जाए वैसे नॉर्मल भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे लॉस दिखा रखा है तो कंपनी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का सेल्स करती होगी। मैकडी हमें हमेशा बड़ा हुआ नज़र आता है जब भी हम जाते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं। बट फिर भी जो भी है, जो हमारे सामने है, जो है मैंने आपको बता भी दिया। और तो इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कम ही इन्वेस्टमेंट करके रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना बेस तैयार कर लिया है, इसी लेवल पर देखिए हर बार आती है। ओके, हर बार आके यहाँ पर जंप लगा देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर और नीचे आती है बायोन डिप्स कर सकते हैं, बाकी वरना मुझे तो ये दोबारा इस लेवल पर जाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कोविड की न्यूज़ आई थी जिस दिन उसी दिन ये शेयर देखिए यहाँ पर अच्छा खासा 10-12% गिरा था। ओके, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरा और बेस बनाना तैयार शुरू किया, तो ये शेयर आपको दोबारा भागता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आप रख सकते हैं, और बाकी कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर
कर लीजिएगा, बिकॉज ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे शेयर पर्सनली अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पर 300 समथिंग के आसपास खरीदा था, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट और मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है। ओके, स्मॉल कैप कंपनी है, हाँ वेल वॉलेटिलिटी है बट अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी में इतना कैलिबर है और मैकडी सबका फेवरेट है ही, अच्छी खासी फास्टेस्ट चेन है फूड की, तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि फौरन तौर पर इस तरीके की आपकी वीडियो मिल जाए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि एक फैमिली क्रिएट हो सके और हम सब मिलकर आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।